चौकी जेवरा सिरसा अंतर्गत समुदा नाला किनारे बड़े पैमाने पर चल रहे जुआ पर दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर 6 आरोपियों को पकड़ी है और आरोपियों के पास से 41,230 रुपए जब्त किए गए हैं। चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुर्ग CSP वैभव बैंकर रमन लाल के नेतृत्व में दुर्ग सिविल टीम एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर जेवरा सिरसा क्षेत्र अंतर्गत समुदा नाला के किनारे तालपत्री लगाकर लाइट की व्यवस्था के साथ 52 पत्ती ताश के साथ रुपए पैसे का दांव लगाकर हार जीत का जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा है, जिनके ताश की 52 पत्ती के साथ रुपए भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अग्रिम कार्रवाई चौकी जेवरा सिरसा से की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग CSP ने जानकारी दी। जी, जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि समुदा नाला के पास कुछ लोग जो है वो तालपत्री वगैरह बिछा कर वहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, तो उसी के तारतम्य में मेरे और जेवरा सिरसा की टीम के संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर पिकअप में बैठ कर वहाँ पर पहुँचा गया था और वहाँ पर पहुँच कर जो नाला के पास से जुआ चल रहा था वहाँ रेड की गई थी। रेड के दौरान 6 लोगों को पकड़ा गया और 41,000 रुपये के आसपास जो है वो मसूका बरामद की गई थी और संशोधित जुआ एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।